So, hi guys, I just came back from little bit shopping. तो आज मैं basically क्या करने वाली हूँ, आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं, like कुछ चीज़ें होती हैं जो different होती हैं हर जगह. तो जो इंग्लैंड में इंडिया से थोड़ी differences जो मुझे लगते हैं, जो मुझे यहाँ के फील हुए, तो मैं जो like outside तो obviously बहुत सारे differences होते हैं, but जो inside difference होते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. बट अभी आज जैसे कि मैं शॉपिंग से आई हूँ तो मैं थोड़ी सी कर कर आई हूँ. तो लेट मी टेल यू ये सब कितने का है एंड थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ आपको. ये मिक्स पेपर्स, 3 मिक्स पेपर हैं, ग्रीन, येलो एंड वाइट. एंड ये मिले हैं 89 रुपीज़ के. एंड मतलब 89 मैं आपको इंडिया रेट बता रही हूँ, यहाँ पर 89 पेंस होगा वो. एंड दिस इज़ द आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम तो मेरे घर में कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. आई एम अ ग्रेट चॉकलेट एंड आइसक्रीम लवर. सो दिस इज़ फॉर 1.35 पेंस, मतलब 1 pound 35 पेंस, अराउंड 140 इंडियन रुपीज़. नेक्स्ट इज़ दिस पास्ता. तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पास्ता यहाँ पर काफ़ी सस्ता होता है, बिकॉज जब मैं, मुझे जहाँ तक याद है इंडिया में यही पास्ता आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स लाइक 80-90 रुपीज़. बट हियर इट्स ओनली फॉर लाइक 29 पेंस, ओनली 29 पेंस, मतलब सिर्फ 30 रुपये इंडिया की पास्ता है. इट्स नाइस. तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसी चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दीज लाइक पास्ता, स्पेगेटी टाइप्स थिंग्स. सो दीज थिंग्स आर वेरी, एंड दिस इज द चीज़ मोज़रेला. And this is for 1.49. And I also take some waffles. I am a, I just said, great chocolate lover. So these are the waffles for 99 pence. So इसमें like 8 waffles आते हैं. It's a mini waffle, but it's very tasty, very yum. That's it जो मैं लेकर आई हूँ. Okay guys, welcome back to my channel. It's Love Stuff. This is Saloni और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 differences जो मुझे लगते हैं UK के houses में compared to Indian houses. So सबसे पहला difference है कि यहाँ पर UK में सारे houses are wooden. तो यहाँ मतलब पूरा ही आर्किटेक्ट ऐसा है कि यहाँ पे वुडन हाउसेज होते हैं. हमारे इंडिया में वही सीमेंट एंड एवरीथिंग होता है, यहाँ भी होते हैं, बट ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द हाउस इज वुडन. तो यहाँ की सारी वॉल्स एंड एवरीथिंग इज वुडन, बिकॉज उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ठंड बहुत है, जैसा कि सबको पता ही होगा. तो ठंड की वजह से वुडन हाउसेज में गर्मी रहती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे सारे हाउसेज वुडन होते हैं, ताकि बाहर कितनी भी ठंड हो लेकिन हाउस पर वो इफेक्ट ना हो अंदर. एंड ऑल्सो यहाँ लाइक जैसा मैंने बोला कि हाउसेज वुडन है, तो फ्लोरिंग भी हमें वुडन ही है इधर. सो इसी से लिंक करता हुआ दूसरा डिफरेंस है इस, यहाँ पर क्या होता है लाइक इंडिया में हमारे पर्टिकुलर रूम्स में एसीज लगे हुए होते हैं, जहाँ भी हमें कूलिंग चाहिए होती है. तो यहाँ तो एसीज का ऑब्वियसली मतलब नहीं है. तो यहाँ पर क्या होता है, हीटिंग सिस्टम होता है. तो यहाँ पूरे घर में एक हीटिंग सिस्टम लगा होता है, जो कि कंट्रोल कर सकते हो आप इस चीज से. यहाँ पर इससे आप कंट्रोल कर सकते हो लाइक हीटिंग का ज्यादा करना, कम करना, या फिर जैसे भी आपको पर्टिकुलर करना है. एंड यहाँ पर ऐसे ये हीटर्स होते हैं, जैसे ये हर रूम में होंगे, इवन किचन एंड बाथरूम्स आल्सो, ये ऐसे हीटर्स होते हैं. तो इन हीटर्स की वजह से पूरे हाउस में हीटिंग रहती है. एंड दिस इज अ गुड थिंग आई गेस, बिकॉज आप चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, यहाँ पे आपको कोजी कोजी लगता है हमेशा ही. तो आई लाइक दिस थिंग. सो गाइस, नाउ द फोर्थ डिफरेंस. तो फोर्थ डिफरेंस है यहाँ के स्विचेस और प्लग्स, यू कैन से. तो ये स्विच बोर्ड्स जो होते हैं हमारे यहाँ, क्या होता है वो सर्कुलर आप देखते हो, बट यहाँ पर होता है रेक्टेंगुलर. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. दिस इज लाइक, तो यहाँ ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप्स होते हैं. तो लाइक स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात है कि अगर आप इधर आ रहे हो तो आप एक यूनिवर्सल अडैप्टर्स आते हैं, जो यहाँ के हिसाब से ही बने होते हैं, तो आप वो लेकर आ सकते हो. तो यहाँ सब जगह यही रेक्टेंगुलर मिलेंगे आपको, सर्कुलर कोई नहीं मिलने वाला. तो इसलिए आपके चार्जर्स, लैपटॉप, सब चीजों के लिए आप इंडिया से ही अडैप्टर्स लेकर आओ, वही ज्यादा है. तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस. नाउ द फिफ्थ एंड द वेरी मेन डिफरेंस, जो हर बंदे को यहाँ आके फील ही होता है कि यार क्यों ऐसा क्यों है. तो कम ऑन. तो गाइस, फिफ्थ डिफरेंस है बाथरूम में. तो यहाँ पर जेट्स नहीं होते हैं,
तो वी हैव टू यूज टॉयलेट पेपर और अदरवाइज वही मग वाला सिस्टम. तो ये बहुत गलत चीज है. आई डोंट नो लाइक क्यों इन लोगों ने ये चीज चेंज नहीं करी है, बट इट्स अ वेरी लाइक रॉन्ग थिंग हाइजीन वाइज भी आई थिंक सो. बट आई नो इसका रीजन क्या है. मतलब देखो परफेक्टली आई डोंट नो कि रीजन क्या हो सकता है, बट जहां तक मेरी रिसर्च है कि क्या होता था लाइक पहले के टाइम पर यहाँ पर ऑब्वियसली हमेशा से ठंड रही है. तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि वाटर सप्लाई हीट सोर्सेस से नहीं आ सकती. जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ हीटिंग होता है, तो यहाँ टैप्स में भी 24 आवर्स हॉट वाटर भी आता है और कोल्ड वाटर भी आता है. तो आई गेस उस टाइम पर हीटिंग सिस्टम इतना नहीं था, तो टैप्स या फिर आपके नॉर्मल वाटर यूज में हीटिंग वाटर नहीं आता था. तो आई गेस इस वजह से आप कोल्ड वाटर यूज नहीं कर पाते होंगे, बिकॉज इट्स वेरी चिल्ड बाहर भी और फिर वाटर भी कोल्ड. तो आई गेस तब इन्होंने पेपर्स यूज करने शुरू किए थे, बट आई डोंट नो अब भी ये लोग पेपर्स क्यों यूज कर रहे हैं. एंड हो सकता है ये गलत हो रीजन, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो मेरी अकॉर्डिंग यही इसका रीजन है. तो या ओके, तो गाइस दीज आर द 5 डिफरेंसेस जो आई फील मे बी और भी हो सकते हैं. लाइक यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस में ना इंडक्शंस होते हैं, लाइक हमारे में नॉर्मल गैस वाला है बट ऑलमोस्ट इंडक्शंस ही मिलते हैं. तो एक वो भी है डिफरेंस, बट अब इंडिया में भी इंडक्शंस ही आ गए हैं, तो ऐसा कोई खास डिफरेंस मुझे वो लगा नहीं. तो या तो दीज आर द डिफरेंसेस जो आई फील. तो आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो आप आगे क्या देखना चाहते हो एंड एवरीथिंग. सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.